राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा की छात्रा दिया बिजुरवान ने नीट परीक्षा में 627 अंक हासिल कर शानदार सफलता अर्जित की है। दिया के चयन से उसके परिवार में जश्न का माहौल है और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा है। दिया बिजुलवान की इस उपलब्धि पर आज राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल चंबा के प्रधानाचार्य संजीव सूरी और स्कूल के स्टाफ और छात्रों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य संजीव सूरी ने कहा कि दिया बिजुलवान ने नर्सरी कक्षा से 10वीं कक्षा तक राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है। दिया कठिन परिश्रमी छात्रा होने के साथ साथ पढ़ाई में भी होनहार थी। उन्होंने कहा कि राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल में बाल्यावस्था से ही विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। स्कूल स्टाफ की कड़ी मेहनत की बदौलत आज देश भर के कोने कोने में इस स्कूल के बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संजीव सूरी ने दिया बिजुलवान और उनके अभिभावकों सहित स्कूल स्टाफ को भी बधाई दी है। वहीं दिया बिजुलवान के अभिभावकों ने अपनी बेटी की इस सफलता का श्रेय राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल प्रबंधन को दिया है। बताते चले कि पिछले वर्ष भी छात्रा अनन्या सूरी ने इसी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर स्कूल का नाम चमकाया था और अब वह IGMC शिमला में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। चंबा जिला में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विद्यालय से लगातार 2 साल में 2 छात्राएं इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को उत्तीर्ण कर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए चुनी गई है, वो भी बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग के, जो चंबा जैसे जिला के लिए हर्ष का विषय है और राइजिंग स्टार स्कूल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बिजुलवान है और मैंने इस वर्ष के नीट परीक्षा में 627 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मेरी फर्स्ट से 10th तक की पढ़ाई जो है राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल में हुई। इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है मैंने वो DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल हतासपुरा चंबा से ही की है। और अगर मुझे अपनी जो मैंने ये 627 मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका श्रेय देना है तो मैं सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने भी मुझे नर्सरी से पढ़ाया है और 11th 12th तक के जितने भी टीचर्स रहे हैं, चाहे वो राइजिंग स्टार में रहे हों DAV में रहे हों, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उनकी ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके अलावा अब आपका अगला विजन क्या है, क्या करेंगे? अभी तो मैं MBBS पे ही फोकस करूंगी, उसके बाद मेनली मेडिकल फील्ड में ही फोकस करूंगी, आगे भी प्लान्स पे काम करती रहूंगी। तो आप अपने इस स्कूल के बच्चों को क्या और संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि अगर आप किसी चीज का, अगर आप कुछ सोचते हो करने का, तो उसके लिए प्लीज बहुत मेहनत करो और ये नहीं बीच में गिव अप कर दिया, उसके लिए काम करो। बहुत सारे लो पॉइंट्स भी आते हैं बट जो रीज़न है कि आपके क्यों वो करना चाहते हो, वो खुद ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आपको उस फील्ड में क्यों जाना है। तो उसको याद करो और अपनी प्रिपरेशन में कभी भी एक्सक्यूजेस मत बनाओ। मतलब वो सबसे वर्स्ट थिंग होगी अगर आप अपनी प्रिपरेशन में एक्सक्यूजेस बनाते हो। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं तो वो सबके साथ हैं, आपको सॉर्ट आउट करना है उन्हें। मेरी बेटी दिया बिजुलवान जिसने इस बार नीट में 627 अंक हासिल किए हैं, इस मेरे दोनों ही बच्चे राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल में शुरू से ही पढ़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे की मेहनत के साथ साथ इस विद्यालय ने जो उसको दिया है, जिसको कहते हैं कि एक घर की नींव को पक्का करना, वो कार्य इस विद्यालय के माध्यम से हुआ है। दूसरा मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि न केवल इसके स्कॉलेस्टिक आस्पेक्ट की मैं बात करूँ, जो मैंने अपने बच्चों में देखा है कि हर क्षेत्र में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको इस विद्यालय ने पूरा किया है। और यहाँ के प्रिंसिपल सर श्री संजीव सूरी जी को, इनके स्टाफ को, पूरी मैनेजमेंट को मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, इनका आभार व्यक्त करती हूँ रादर, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं चाहती थी किस तरह की मेरे बच्चे की स्कूलिंग होनी चाहिए वो की है।
मैम, आप खुद भी एक अध्यापिका रही हैं, तो आपने खास करके अपनी बेटी को मतलब प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट में? जी जी, ये अगर मैं ऑनेस्टली इस बात को का आंसर दूं, तो जब क्योंकि मैंने एक ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य किया है और लंबे समय तक मैं शिक्षा विभाग में मिशन के साथ, जिसको बोलते, चाहे वो डीपीपी प्रोग्राम हो, समग्र शिक्षा हो, या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान की मैं बात करूं, तो उससे जुड़ी रही। तो शुरू से ही मेरे मन में था कि मुझे अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है। और जब मेरी बच्ची स्कूल गोइंग हुई, तो मैंने यहाँ एक विद्यालय में जो मेरे घर के पास पढ़ता था, मैंने बात की कि मैं अपने बच्चे को इस विद्यालय में डालना चाहती हूँ, सरकारी विद्यालय में डालना चाहती हूँ। तो पता नहीं, अब उस समय हालात ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि मैम, जो वहाँ पे केंद्रीय मुख्य शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि मैम, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, पर बाकियों का कई बार स्टाफ ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय लें। तो इस समय फिर मैं दुविधा में पड़ गई। तो इस कारण से, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जिस वजह से मैंने बेटी को जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में डाला। बट मैं शुरू से अभी भी कहती हूँ, विद्यालय कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, किसी भी प्रकार का विद्यालय हो, लेकिन उसमें गुणवत्तापरक शिक्षा होनी चाहिए, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम प्राइवेट विद्यालय भी खोल लें और वहाँ पे बच्चों से फीस या पेरेंट्स से फीस अच्छी ले लें, लेकिन गुणवत्ता नहीं दे पाए, तो उसका कोई लाभ नहीं है। और अगर हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को वो गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल रही है, तो वो हमारे ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि जिस वजह से मैंने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में। आज राइजिंग स्टार स्कूल के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि लगातार दूसरी बार जो है हमारे स्कूल की छात्रा दिया बिजलवान, जिसने ऑल इंडिया लेवल का नीट टेस्ट जो है वो उत्तीर्ण किया है और 720 में से 627 अंक पाए हैं, जिससे कि उसकी सिलेक्शन इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में हो सकती है। इसके लिए दिया और दिया के अभिभावक बधाई के पात्र हैं। दिया बहुत ही प्रतिभाशाली जो है छात्रा थी, नर्सरी से लेकर दसवीं तक की शिक्षा जो है दिया ने राइजिंग स्टार स्कूल से ग्रहण की और हर एक्टिविटी में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। उसके सर्वांगीण विकास के लिए सारे अध्यापकगण और अभिभावक जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। राइजिंग स्टार स्कूल में बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर तरह की एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करवाया जाता है। दिया बिजलवान छठी से लेकर दसवीं तक हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती रही और ये स्टेट लेवल तक जो है अपने साइंस के मॉडल, अपनी हिंदी की जो भी है प्रतियोगिताएं, इंग्लिश की प्रतियोगिताएं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जितनी भी प्रतियोगिताएं थी, उसमें अव्वल दर्जे में हमेशा उसने स्थान ग्रहण किया है। चाहे वह ओलंपियाड की बात हो, चाहे और किसी टेस्ट की बात हो, बच्ची ने हमेशा जो है विद्यालय का नाम रोशन किया है और उसे शुरू से एक विश्वास और एक लगन थी कि मैंने जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है। दसवीं की परीक्षाओं में जब 3 या 4 अंक से वो टॉप 10 में नहीं आ सकी, तो उसको एक मलाल था कि ये भरपाई जो है मुझे आने वाले समय में करनी है। और आज उसने चंबा के में, ना केवल चंबा में बल्कि राइजिंग स्टार स्कूल में भी एक इतिहास रचा है, क्योंकि हम केवल पिछले 6 साल से जो है दसवीं का बैच निकाल रहे हैं और पिछले बैच में अनन्या सूरी, जिसने नीट में टॉप किया था पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, केवल एक यही बच्ची थी जो नीट में क्वालिफाई करके आज IGMC में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। और इस बार दिया बिजलवान ये हमारी दूसरी छात्रा है, दूसरी बच्ची है जिसने इतने अच्छे अंक प्राप्त करके जो है नीट में अपनी सफलता के झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। नीट की सफलता के पीछे जो है ना केवल उसका आत्मविश्वास, ना केवल उसकी मेहनत, बल्कि उसकी एक लगन, क्योंकि बीच में जो है 2 साल का कोरोना का समय था और हम दसवीं तक की एजुकेशन देते हैं, उसने +1-2 जो है कहीं और रजिस्टर अपने आप को किया, लेकिन उसने घर में पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपनी लगन से आज उसने प्रूव करके बता दिया कि मेहनत, लगन, आत्मविश्वास जो है वो
किसी को भी कहीं रोक नहीं सकता। चंबा के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी निजी संस्थान की दो बच्चियां लगातार दो साल तक और केवल एक ही स्कूल से जो है वो नीट के लिए सिलेक्शन हुई है। तो चंबा जिला ये बधाई का पात्र है, चंबा जिला के लिए भी बहुत खुशी की बात है, हिमाचल के लिए खुशी की बात है, और अभिभावक जिन्होंने एक सपने संजोए होते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह जाए, तो वो दिया बिजलवान ने प्रूव करके बताया है। दिया बिजलवान को बहुत बहुत बधाई, आने वाले भविष्य के लिए मैं उसको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और इसके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जितनी मेहनत इस बच्ची ने कर ली है अब उसका भविष्य संवर गया है, अब उसने एक ट्रैक पे चलना है और अब वो श्योर है कि मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी। तो चंबा के लोगों को भी, चंबा के जो दो डॉक्टर राइजिंग स्टार ने दिए हैं, उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।